क्या बात कर रहे हो, 10 रुपए में पागल तो नहीं बना रहे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इतना शानदार पंजाबी खाना और इतने सस्ते रेट में मैंने कहीं नहीं देखा। क्योंकि कड़ी का दीवाना हूँ, अभी मैं डब्बा लेके आया हूँ, कड़ी लेके जाने वाला हूँ। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल फूडी पाजी में। हम आ चुके हैं आपके लिए भाई 14 एपिसोड लेके। हम आए भाई आज सरदार जी के यहाँ, इनके भोपाल में छोले कुलचे राजमा चावल, देखते हैं क्या क्या हो रहे। बहुत ही छोले कुलचे में तो भाई बहुत ही फेमस है, तो वीडियो देखते रहना और वीडियो को भाई लाइक करना, शेयर करना। और छोले कुलचे अगर आपको पसंद हो तो आ जाओ, वीडियो आपके लायक है, एंड तक देखना। आ जाओ अपन देखते क्या क्या है अपने पास। हाँ जी भाई, सत श्रीकाल भाई। तो भाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह जी। कब से चालू किया आपने? मुझे यहाँ पे 2.5 साल हो गया है। अच्छा जी, छोले कुलचे से चालू किया? हाँ जी, छोले कुलचे से चालू किया था। हाँ, बाबे की मेहर हुई, राइस के आइटम भी चालू कर दिए हैं, राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल। क्या बात है, तो ये आपके कुलचे हैं? तो आपने सीखा था कि ऐसी नॉर्मल? नहीं, मेरा होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। ठीक है, मेरा होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, उसके बाद में मैं 5 स्टार में भी रहा हूँ बॉम्बे में। अच्छा जी, फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, रेस्टोरेंट ओपन किया था, लॉकडाउन में बंद किया, फिर यहाँ से चली। तो ये आपने छोले कुलचे कैसे सोचा कि छोले कुलचे? मैं एक्चुअली में ये देख रहा था कि पंजाबी फूड यहाँ पे था नहीं बराबर। ठीक है, तो उस चक्कर में मैंने सोचा कि छोले कुलचे से चालू करी जाए। अच्छा, एंड उसके बाद फिर आगे बाबे की मेहर जहाँ तक होगी वहाँ तक चलेंगे वेज के काम में। छोले कुलचे और अपने पास क्या क्या है आप दिखाओ हमें। ये तो अपने हो गए कुलचे, तो ये आपने दिल्ली साइड छोड़े कुलचे जो है अपने मेन, ये आप देते हो ना? हाँ, ये वो वाले हैं, बट ये आटा मैदा सूजी मिक्स वाले हाँ, ये तीनों मिक्स करके इसको आप बढ़िया तवे पे सेक के सर्व करते हो। अपनी क्या कुलचे की क्या प्लेट रहती है? 50 रुपीज़ छोले कुलचे, और ऊपर से ग्रेवी भी लगाते हो? हाँ जी, ग्रेवी लगती है। ठीक है जी, क्या उसके ऊपर अजवाइन और कस्तूरी मेथी। वाह वाह, कुछ लोग धनिया डालते हैं, आप कसूरी मेथी? हाँ, मैं कसूरी मेथी डालता हूँ, उसका फ्लेवर अपना एक अलग ही आता है ना। क्या बात, ये है क्या छोले? छोले देखो भाई आप, क्या बात है, गर्मा गर्म छोले, क्या बात है भाई, क्या बात है। भाजी ये घर पे ही बनाते हो? खुद आप घर पे पूरा रेडी करके लेके आते हो? क्या बात। तो ये देखो भाई, ये छाछ है भाई। ये छाछ कितने रुपए गिलास है? ये 10 रुपए गिलास। क्या बात कर रहे हो, 10 रुपए में पागल तो नहीं बना रहे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, 10 रुपए गिलास बोर्ड लगा के बेच रहे हैं भाई, बोर्ड लगा के 10 रुपए गिलास छाछ। क्या बात है भाई, ऐसी गर्मी में ठंडी ठंडी छाछ, ये देखो आप बिल्कुल भाई बर्फ डली हुई है, क्या बात है। इसमें बिल्कुल मसालेदार छाछ? बिल्कुल मसालेदार छाछ है। क्या बात है, क्या बात है भाजी। वैसे ये छाछ में क्या क्या डालते हो? छाछ में अपने पूरे खड़े गर्म मसाले जो होते हैं उसमें, जैसे जीरा है, काली मिर्च है, वो सब भून के पीस के वो डलता है, उसके बाद में धनिया पुदीना वो डलता है, ट्रेडिशनल जैसे। हाँ, वो छाछ होती है रेडी। क्या बात है भाई, 10 रुपए में भाई, अच्छा इतना बड़ा ग्लास 10 रुपए में छाछ का मिल रहा है, और क्या चाहिए यार। 50 रुपए में छोले कुलचे, 50 रुपए में राजमा चावल, छोले चावल, एक मील आपकी दिन की हो सकती है यहाँ पे, वो भी हेल्दी में, और बढ़िया छाछ भी है जिसमें ठंडा। देखो कंटेनर में चावल आ गए, चावल की क्वांटिटी भी अच्छी, ये भी 50 रुपीज़। हाँ जी, ये भी 50 है। तो भाई हर चीज़ यहाँ पे 50 रुपीज़ मिलेगी। ये देखो इसके ऊपर आ गए छोले, और भाई छोले भी ये नाम के नहीं है, देखो आप छोले बिल्कुल भरा पड़ा है छोले से, बिल्कुल मिक्स कर रहे हैं तो पाजी, क्या बात है। और इसी में चटनी भी जाएगी पाजी? हाँ, इसी में चटनी आएगी। ये देखो भाई, ये आ गए राइस, बिल्कुल बासमती खिले खिले राइस, बिल्कुल खिले खिले राइस, क्या बात है जी। राइस आ गए, ये आ गए जी राजमा, ये भी बिल्कुल मसालेदार, मसालेदार होते हैं, बिल्कुल मसालेदार, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल है ना। कड़ी पकौड़े वाली, भजिए वाली कड़ी, क्या बात है, क्या बात है। वैसे जो गुजराती कड़ी होती है वो प्लेन होती है, लेकिन जो पंजाबी स्टाइल कड़ी है उसमें आपको तड़का भी मिलेगा। हाँ, तड़का भी मिलेगा और भजिए भी मिलेगा, क्या बात है भाई। देखो भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया, तो हम भी खा के देखेंगे कैसा है। और यहाँ पे पाजी भी आए हैं, इनसे थोड़ा रिव्यू लेते हैं। सत श्रीकाल पाजी। हाँ जी, सत श्रीकाल जी। तो आप कब से आ रहे हो? मैं जब से इन्होंने यहाँ पे दुकान लगानी शुरू करी है तब से आ रहा हूँ मैं। अच्छा, और इतना शानदार पंजाबी खाना और इतने सस्ते रेट में मैंने कहीं नहीं देखा। क्या, मैंने सारे आइटम ट्राई किए हैं, मैं इनकी कड़ी का दीवाना हूँ, अभी मैं डब्बा लेके आया हूँ, कड़ी लेके जाने वाला हूँ। अच्छा, हाँ जी, बहुत शानदार। और छोले कुलचे का तो जवाब नहीं, सुबह ऑफिस जाता हूँ, नाश्ता करके जाता हूँ इनके पास से, और बाकी भी आइटम इनसे लेता हूँ, बहुत ही
नीट एंड क्लीन हाइजीन और बहुत ही टेस्टी फूड रीजनेबल रेट पूरे भोपाल में कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी चीज एक बंदे की मील पूरी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, एक बहुत बढ़िया, बहुत तरीके से, बहुत बढ़िया रीजनेबल प्राइस में एक खाना अच्छा घर जैसा। इतनी टेस्टी कड़ी आपको मैं समझता नहीं कि भोपाल में किसी ढाबे में या किसी होटल में मिलेगी। इतनी पंजाबी से और इतना हाइजीन बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल हाइजीन आपको साफ सुथरा मिलेगा। कोई बहुत बढ़िया शानदार मजा आ गया। मैं इनका रेगुलर कस्टमर हूँ और जब से इन्होंने यहाँ दुकान लगानी शुरू करी तब से रेगुलर आ रहा हूँ। क्या बात है भाई, तो हम भी खा के देखेंगे पाजी के हाथ की राजमा चावल। अब पाजी कड़ी बोल रहे हैं तो हम कड़ी चावल खा के देखेंगे। बिल्कुल कड़ी खा के देखेंगे हम और कड़ी का आपको टेस्ट करके बताएंगे। तो आप भी अगर नहीं आए हो तो जल्दी जल्दी आ जाओ। एड्रेस बता देता हूँ आपको, 1100 क्वार्टर में हनुमान मंदिर के पास में। ठीक है जी, 1100 क्वार्टर हनुमान मंदिर के। आप ये देखो भाई, बिल्कुल बासमती राइस है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि सस्ता दे रहे हैं तो कुछ भी खिला रहे हैं, बिल्कुल घर जैसा, बिल्कुल प्योर खाना आपको देंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये देखो आप, एक एक पकौड़ा कड़ी सब दिखेगा आपको। क्या बात है, तो हम भी कड़ी चावल खाएंगे। पाजी एक हमारे लिए भी कड़ी चावल की प्लेट लगा दे। राजमा और कड़ी दोनों, ये देखो जी आ गई है बासमती राइस। क्या बात है, पूरे ऊपर तक भर के क्या आ गया भाई, गर्मा गर्म राजमा। क्या बात है भाई, खुशबू जैसी हटता है वो ढक्कन और खुशबू चली जाती है। ये हाफ में आ गए भाई राजमा और अपन हाफ में डलवाएंगे कड़ी। ये लो जी पकोड़े वाली कड़ी गर्मा गर्म हाजिर है। और इसमें पाजी पूरा गर्म रहता है? हाँ जी पूरा गर्म रहता है, कटोकट 506 घंटे। पाजी टाइमिंग बता दो। टाइमिंग मेरा छोले कुलचे है तो सवेरे 9:30 बजे। ठीक है जी। और राइस का आइटम आंदा है 11 बजे तो। ठीक है। और अपर रहते हैं 4:30 बजे तक। 4:30 बजे तक पाजी रहते हैं। 11 बजे से आपको मिलेंगे चावल राजमा कड़ी, 11 बजे से मिल जाएगा। छोले कुलचे 9 बजे से? 9:30 बजे से आपको छोले कुलचे मिल जाएंगे। बाकी ये देखो भाई अपनी प्लेट तैयार है, चटनी प्याज सब आ गया उसके ऊपर। तो भाई हमारे पास आ गए हैं भाई ये पाजी के कड़ी चावल और राजमा चावल। कड़ी से ट्राई करते हैं, कड़ी का भाई बहुत सुना है। 50 रुपये प्लेट है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको प्राइस इसका 50 रुपये और एक टाइम की मील है भाई पूरी। स्टूडेंट हैं कोई भी हो भाई, बिल्कुल सस्ता खाना और अच्छा खाना, घर जैसा खाना अगर आपको खाना है तो आप बिल्कुल यहाँ पर विज़िट कीजिए। आपको क्वालिटी में भी बिल्कुल मेंटेन मिलेंगे और स्वाद भी आपको बिल्कुल मेंटेन मिलेगा। तो ये देखो भाई पकौड़े वाली कड़ी आ चुकी है, कड़ी खाते हैं। गर्म है बहुत, बिल्कुल भाई पंजाबी वाली कड़ी जिसमें भाई आपको हर चीज़ मिलेगी, प्याज धनिया खड़े धनिया मसाले आपको हर चीज़ मिलेंगे और हींग का भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है। तो कड़ी तो जैसी पंजाबी होती है भाई, बिल्कुल मज़ा आ गया। और बासमती राइस का भी एक अपना फ्लेवर होता है, उसकी एक खुशबू आहा, तो वो आ रही है। बाकी राजमा खाते हैं भाई, इसमें चटनी भी है। तो देखो आप तो राजमा भाई दिखाने नाम के नहीं है, देखो आप कितने राजमा। बढ़िया है, बिल्कुल स्पाइसी मसाला ये सब बिल्कुल मेंटेन किया है। ऐसा नहीं ओवर स्पाइसी है, ओवर मसाले हैं, ऐसा खाना है पेड़ के नीचे बैठ के खा रहा हूँ, सुकून है, ना ज़्यादा गर्मी लग रही है ना ज़्यादा सर्दी, मज़ा आ रहा है भाई। असली स्ट्रीट फूड का मज़ा ले रहा हूँ, असली पंजाबी फूड का मज़ा ले रहा हूँ। आपको भी कभी आना है भाई बढ़िया आइए, 50 रुपये में भरपेट, 10 रुपये की छाछ है, पीजिए और मज़ा उठाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।